आप सभी को सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर, हमें गर्व है भारत के ऋषि मुनियों पर जिन्होंने योग की उत्पत्ति की, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। आज के दिन बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। योग का साधारण भाषा में अर्थ जोड़ना अर्थात मेल मिलाप का नाम योग है। दो वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं। योग का अर्थ कार्य में कुशलता अर्थात जो भी कार्य सामने हो उसे प्रभावशील तरीके से पूर्ण किया जाए, लेकिन ऐसे करने की योग्यता व्यक्ति में अपने आप पैदा नहीं होती। इसके लिए व्यक्ति को मेहनत करके अपने तन मन को साधना होता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है जिसका अर्थ जोड़ना या मिलना है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगा निश्चित वृत्ति निरोध अर्थात मन की वृत्तियां रूप रस गंध स्पर्श व स्वाद को रोकना ही योग है। योग विशिष्ट के अनुसार संसार सागर के पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, समत्व योग उच्यते अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण का नाम ही योग है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आज के दिन अपने भाई बंधु मित्रों के साथ आप योग अवश्य करें। आइए हम चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक योग आसन करने। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।